केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। एक साल पहले हुई हत्या के मामले में हिंदू संप्रदाय के लोगों ने पंचायत की, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से शांति भंग करने के जुर्म में 40 लोगों को पाबंद कर दिया गया है। दरअसल परीक्षित गढ़ के गांव खजूरी में युवक दीपक त्यागी की बीते वर्ष 27 सितंबर 2022 को कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर हिंदू समाज के लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे, जिसमें हिंदू नेता सचिन सिरोही को भी गिरफ्तार किया गया था। अब एक साल बाद फिर कल एक पंचायत रखी गई, जिसमें सब हिंदू दलों व पूजनीय संतों और आमजनों को एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कहा गया और उसकी वीडियो बनाकर वायरल की गई, जिसको पुलिस प्रशासन ने शांति भंग करने की कोशिश के आधार पर लोगों को पाबंद कर दिया है। पाबंद करने वालों की लगभग संख्या 40 है। देखिए, जो मेरठ जिले के खजूरी के रहने वाले थे, उनके पिता, उनके बहनोई और उनके और रिश्तेदार आज यहाँ आए हुए हैं। 27 सितंबर 2023 को बुधवार को खजूरी गांव, जो दीपक त्यागी का गांव था, वहां एक यज्ञ रखा गया है। और देखिए कितने दुख की बात है, मुस्लिमों द्वारा गर्दन काटकर मार दिए गए एक ब्राह्मण बच्चे को आज तक न्याय नहीं मिला है और न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। देखिए इन्होंने, इनके पिताजी ने, इनके परिवार के लोगों ने जो ये कार्ड छपवाए हैं, ये मेरे हाथ में है। मुस्लिमों द्वारा गर्दन काटकर मार दिए गए एक ब्राह्मण बच्चे को आज एक वर्ष संपूर्ण होने पर भी न्याय नहीं मिला है, ना ही न्याय मिलने की आशा है। ये कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पीड़ित परिवार को संपूर्ण एक वर्ष तक संघर्ष करने के बाद भी सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। समस्त हिंदू दलों से, सभी पूजनीय संतों से एवं सभी हिंदू आमजनों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारी आवाज को बुलंद करने की कृपा करें। मैं तो 27 सितंबर को यज्ञ में भाग लेने के लिए जरूर जाऊंगा। मेरा निवेदन है हर हिंदू से कि आप एक दूसरे का साथ दीजिए, वरना ऐसा ना हो एक एक करके आप तभी मार दिए जाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए ये परिवार के पीड़ित हैं, इनके बेटे को मार दिया गया, कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं, असली कातिल आज भी कानून की पहुंच से दूर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। FirstBite की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरठ।